1 डिग्री कंसिस्ट ऑफ 60 मिनट्स। अब एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये है, ये जो मिनट्स हैं ये टाइम के नहीं है, ये 60 सब पार्ट्स है। तो कैसे सब पार्ट कैसे मतलब 1 डिग्री के जो बीच में जितना एरिया उसे 60 मिनट्स हो नहीं, आप ऐसे देख लीजिए कि 1 डिग्री के अंदर 60 सब पार्ट्स हैं। 60 ही क्यों किए, गोली मारी है, 100 भी तो कर सकते थे, 50 भी तो कर सकते थे, बट उन्होंने 60 किए। और हर जो सब पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट। मिस्टर, इधर एनी डाउट? तो क्या होता है इसमें 1 मिनट, ये टाइम वाला मिनट नहीं है, देख समझ रहा, सब पार्ट्स हैं सब पार्ट्स है। और हर सब पार्ट के ये जो मिनट है इसके भी आप 60 सब पार्ट्स कर सकते हैं, और इनको बोलना शुरू कर दिया 60 सेकेंड्स। बेसिकली टाइम का कॉन्सेप्ट लिया उन्होंने टाइम का, बेसिकली टाइम का कंसेप्ट नहीं लिया, टाइम का वर्ड लिया और इस पे चिपका दिया से 60 सेकंड तुमने जी 60। हाँ ठीक, कंसेप्ट लिया, चलो ठीक, ऐसे बोलते, कंसेप्ट लिया, कंसेप्ट भी ले लिया, वर्ड भी ले लिया, बट मीनिंग अलग बट है मीनिंग अलग है। बोल जी, सो इसके लिए वन चलो ये बात समझ आए। तो लॉजिक वही है भाई, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट 11th में आता है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्टेड है। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स होता है, 1000 मीटर्स के अंदर इतने सेंटीमीटर का और इतने मिलीमीटर, नहीं समझ, नहीं समझ में। मेरा ध्यान पूरा टॉमी की तरफ है, टॉमी ने एग्जाम नहीं देना, नहीं समझ रहा। मिस्टर, इधर एनी डाउट? फिर से देख लीजिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अगर अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, अब देखिए एक्यूरेसी में कितना फर्क पड़ गया। वो जो पायलट था जिसको 1000 किलोमीटर जाना था, अब उसकी 1 डिग्री में आपने 3600 डिविजन कर दिए। अब आप देखो कितना एक्यूरेट आप जा रहे हो। अब आप उसको बोल सकते हो, यू आर 25 डिग्री 24 मिनट 23 सेकेंड नॉर्थ। अब देखो आप कितना सर एक्यूरेट हो, ये सी लाइन को कॉल से तो ठीक नहीं समझना मिस्टर, इधर एनी डाउट? भाई बात समझिए, एक बात समझिए, वी शैल ईट नाउ, है ना। अब आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, भैया 25 डिग्री पे चले जाए, और वो उसने जो ट्रेवल करना है अंटार्क्टिका जाना, लेट अस अज्यूम 10,000 किलोमीटर्स। अब अगर आपने उसको वेग सा 25 डिग्री दे दिया, बड़ी प्रॉब्लम है, वो कहीं अंटार्क्टिका में किसी और जगह पहुंच जाएगा। अनलेस एंड अनटिल आप उसको स्पेसिफाई करो कि भैया 25 डिग्री 34 मिनट्स और 23 सेकेंड्स, तो फिर भी थोड़ी एक्यूरेसी आएगी, नहीं समझ रहा। अब एक और कंफ्यूजन जो आती है, शुरू शुरू में आती है, थोड़ी देर बाद अपने आप चली जाती है, शुरू शुरू में आती है। जैसे अब मैं आपको 89 डिग्रीज बोलता हूँ, तो 89 डिग्रीज को मैं 88 डिग्री + 1 डिग्री बोल सकता हूँ। तो 88 डिग्री + 60 मिनट्स बोल सकता हूँ, नहीं समझ में आ रहा पक्का। और इससे नीचे जाऊंगा तो 88 डिग्री + कैसे करना चाहते हैं, 59 मिनट + 1 मिनट, मेरे साथ है यहाँ तक? 88 डिग्री + 59 मिनट + 60 सेकेंड्स बोल सकता हूँ। अन्ना जी मेरे साथ है, ठीक लिख रहा हूँ मैं? अब यहाँ ना थोड़ा इधर आपको डाउट आएगा शुरू शुरू में, तो आई कैन राइट 89 डिग्री एज, ठीक है ना भाई, 88 डिग्री + 59 मिनट + लेकिन ऐसे भी लिखना सकते हो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप ऐसे लिख सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन की लिखना क्यों है सर, वो इसलिए लिखना बिकॉज इस पे बेस फिर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, वो बालकों के ऐसे क्वेश्चन है, इधर आप समझ आ रहा है? तो जैसे ये क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, तो इसमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं समझ रहा, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट। भाई अक्षर जी उबासी में जा रही पूरी क्लास। टीचर बोले कि 90 डिग्री 0 मिनट्स में लिख सकते पर फिर कैंसिलेशन में गलती हो सकती है इसी तरह भाई से मैं तो अभी आपको क्वेश्चन करा ही नहीं रहा, मैं तो आपको क्वेश्चन करा ही नहीं रहा, मैं तो अभी तक सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूँ। इधर लॉजिक समझ आया नहीं है? मैं तो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट पे आया नहीं, मैं तो अभी तक सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कंसेप्ट क्या है, डिग्री क्या होता है, मिनट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, वो पकड़ पाएगा आप?
अब इसके बाद मैं थोड़े से बेसिक क्वेश्चन लिस्ट इधर आपको कराता हूँ और उसके बाद फिर इस पे आएंगे। वो मैडम ने ना कुछ स्टेप्स मिस कर दिए, डायरेक्ट इस पे आ गई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, आप वो कीजिए, देन विल स्टार्ट डूइंग दिस, चलेगा? प्रोग्रेस इधर देखिए, अब ये क्वेश्चन को देखिए। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 21 डिग्री 17 मिनट्स? ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यार? देर आर टू एंगल्स, द सम ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री, इज इट ओके? नाउ लेट अस अज्यूम वन ऑफ द दिस एंगल इज 21 डिग्री 17 मिनट्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू 90 डिग्री। इधर डाउट है? अभी देखिए क्या कर सकते हैं आप, 21 डिग्री 17 मिनट्स प्लस वाई इज इक्वल टू 89 डिग्री 60 मिनट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? वाई यार 90 डिग्री जो है वो 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री, 89 डिग्री जो है 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है। तो ये जो 89 डिग्री प्लस 60 मिनट्स है, ये 89 डिग्री और 60 मिनट्स यहां पर लिखा हुआ है। इन डाउट है? देयरफॉर वाई जो है वो किसके इक्वल है? 89 डिग्री 60 मिनट्स -21 डिग्री 17 मिनट्स इज इक्वल टू 68 डिग्री 43 मिनट्स। इधर डाउट है? कोई डाउट है तो बोलिए। और जब वो सप्लीमेंट की बात कर रहा है, इसके सप्लीमेंट की बात कर रहा है, तो जरा आराम से देखिए सप्लीमेंट का मतलब क्या होगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। 80 डिग्री 49 मिनट्स 25 सेकेंड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर डाउट है? अभी इधर देखो, एक आराम से चीज देखो यार, मैं ये 180 डिग्री को लूंगा एंड आई विल ब्रेक दिस इन टर्म्स ऑफ मिनट्स एंड सेकेंड्स। वाई? ताकि मैं यहां से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकूं, फिर मैं डिग्री को डिग्री से, मिनट को मिनट से और सेकंड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा, है ना? क्लीन हो जाएगा। तो आई कैन राइट दिस एज 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री। इधर डाउट? देखिए देखिए, आपको जैसे अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। इफ यू थिंक कि आपको वैसे कंफर्टेबल है, आपको समझ आ गया, ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली ओके, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। सो 179 डिग्री प्लस 60 मिनट्स, दिस वुड बी 179 डिग्री प्लस 59 मिनट्स प्लस 1 मिनट, 179 डिग्री प्लस 59 मिनट प्लस 60 सेकेंड्स, राइट? ठीक। सो आई कैन राइट 180 डिग्रीज एज 179 डिग्रीज 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड। ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और इसको लिखने के बाद देन आई कैन इजीली सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस नंबर। इधन हैव यू अंडरस्टूड द लॉजिक? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि होता कैसे है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूजुअली स्टूडेंट जब करते हैं तो उनको थोड़ी सी तकलीफ आती है। तो मैं आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप कह रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए कि वो जो डिग्री है, उस डिग्री में से ही आपने मिनट निकाले और उस एक उस मिनट को थोड़ा तोड़ दिया और उसी में से आपने सेकंड निकाल दिया। और ये सब आप कर किस लिए रहे हैं? ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप 179 डिग्री 59 मिनट्स 60 सेकेंड्स के बीच में से ये जो है 80 डिग्री 49 मिनट्स 25 सेकेंड निकाल सकें।
सो ठीक है, 99 डिग्री 10 मिनट और 35 सेकंड। किधर बात पकड़ में आई नहीं है। चलो ओके कोई डाउट है क्या? एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो।